उठो उठो, कब तक सोओगे? मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूं, तुम नदी में आते हो और मेरी पूजा करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। न जाने तुमने क्या क्या लिस्ट बना रखे हैं, क्या क्या मांगते हो मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचो क्या तरीका तुम्हारा सही है। तुम आ करके जिस नदी की पूजा करते हो उसी में गंदा गंदगी चीजें डाल के चले जाते हो, उससे क्या होता है, तुम्हारा नदी गंदा होता है। अगर तुम तरीके को थोड़ा सा रिवर्स कर दो, तुम पूजा करो, तुम्हें जो मांगना है मांगो और तुम्हें मिलेगा भी और मैं दूंगा भी, लेकिन नदी के अंदर कुछ डालने के बजाय या नदी में कोई भी ऐसा लोग जो गंदगी फैला रहा हो उसको मना करने के बजाय, उसको समझाने के बजाय, तुम भी इतना समझदार होकर के नदी के अंदर कुछ भी डाल के अपने घर चले जाओगे, क्या ये नदी तुम्हारा घर नहीं है? आखिर पूजा तो तुम इस नदी की ही कर रहे हो ना, क्या तुम नहीं चाहते हो कि यह नदी साफ दिखे, सुंदर दिखे? अगर चाहते हो तो उठो उठो, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेरा आशीर्वाद। हे भगवान, आज के बाद मैं कभी भी नदी को गंदा नहीं करूंगा। मैं नदी में कुछ भी ऐसा नहीं डालूंगा जिसके कारण आपको गंदगी का सामना करना पड़े। मैं जब भी आपके पास जाऊंगा, मैं आपको साफ करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको क्लीन करने की कोशिश करूंगा, और साथ में जो भी लोग आपको गंदा कर रहा होगा मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि नदी, आप कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि आप में कुछ भी ऐसा डाला जाए जिससे आपको गंदगी का सामना करना पड़े, बशर्ते अगर वो आपसे, अगर वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो और ही अच्छी बात होगी, बशर्ते कि नदी के पास जा करके कुछ भी नदी के अंदर ऐसा डाल दे ताकि नदी गंदगी हो जाए और हम वहाँ से निकल पड़े अपने घर की तरफ। नदी भी हमारा घर ही है। आज के बाद हम सबको बताएंगे कि नदी में कुछ भी ऐसा मत डालो कि हमारा नदी गंदा दिखे, हमारा नदी गंदा दिखे, हमारा नदी गंदा दिखे।